हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे EMRS का जो रिजल्ट आया था तो उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड। तो यहाँ पे ये नोटिस देख सकते हो, ये बेंगलोर में जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है यानी TGT मैथ, PGT मैथ और ये ऑल स्टेट के हैं कैंडिडेट। तो इसमें ये नहीं है कि ओनली कर्नाटका वाले का जो है बेंगलोर में होगा, बाकी स्टेट का अलग अलग होगा, यानी सब्जेक्ट वाइज है। तो यहाँ पे कनाडा का तो ऑब्वियसली कर्नाटका में होगा, क्योंकि कनाडा जो है वहीं के ज़्यादा एप्लीकेंट है और वहीं की वैकेंसी है, और मैथमेटिक्स का भी वहाँ हो रहा है। तो इसका मतलब है कोई भी सब्जेक्ट का कहीं पे भी आ सकता है। यानी ये टोटल जो आप देख सकते हैं TGT मैथ के जितनी वैकेंसी थी और रैंक के हिसाब से भी यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं रोल नंबर, रैंक, सीरियल नंबर सब यहाँ पे दिया हुआ है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहीं पे भी किसी भी सब्जेक्ट की हो सकती है। जैसे हो सकता है दिल्ली में मान लो हिंदी की हो जाए, या फिर मान लो संस्कृत की आपकी चंडीगढ़, या कहीं पे भी कैसे भी हो सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा डाउट था कि ये जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ आएगी। तो ऑल इंडिया के लोगों को वहाँ आना पड़ेगा, जैसे अभी मैथमेटिक्स वालों को बेंगलोर आना पड़ेगा, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का हो, चाहे वो नॉर्थ का हो, चाहे वो साउथ का हो। तो फ्रेंड्स, ये एक थोड़ी सी दिक्कत तो है इसमें, क्योंकि अभी क्या है ट्रेन वरेन में आने में और ये जो है पूरे ऑल इंडिया के लोग एक जगह आएंगे तो थोड़ी दिक्कत तो होती है। अब साउथ वालों के लिए ठीक है, बेंगलोर आ गया, जैसे मान लो नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट वालों के लिए थोड़ी सी दिक्कत है, बट इन्होंने जो शेड्यूल बनाया तो ऐसा ही है। तो अभी वेट करते हैं बाकी सब्जेक्ट का कहाँ कहाँ आता है। तो फ्रेंड्स, यही एक इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, और ये नोटिस आज का ही है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसी तरह के अपडेट के साथ मिलेंगे नई वीडियो में, और थैंक यू फ्रेंड्स।